अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप जो है 100% स्कॉलरशिप CSIR UG नेट सब्सक्रिप्शन के लिए विन कर सकते हैं। तो डेट याद रखिए 7 मार्च संडे 12 से लेके 1:15 तक ये आपका जो है टेस्ट होगा फॉर लाइफ साइंसेज, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और जैसा आप रैंक लाते हैं, रैंक 1 से 2, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 3 से 10 लाते हैं तो 75%, 11 से 35 तो 50%, और 36 से 150 लाते हैं तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे ही सेम आपका जो है मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है, जहां पे 3 क्वेश्चन रहेंगे और सेम अपॉर्चुनिटी ये भी 7 मार्च को संडे को 12 से लेके 1:15 तक होगा, जहाँ पे सेम चीज़ें हैं। रैंक 1 से 2 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 3 से 10 लाते हैं तो 75%, 11 से 35 तो 50%, और 36 से 150 लाते हैं तो आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जा सकते हैं या तो अनअकैडमी आइकॉनिक के साथ में या तो अनअकैडमी प्लस के साथ में। अब डिफरेंसेस क्या हैं आइकॉनिक और प्लस में? लाइव क्लासेस आपको दोनों में मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको दोनों में मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको दोनों में मिलते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दोनों में मिलते हैं। अब आइकॉनिक को खास जो बनाता है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको दिया जाता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज़, स्टडी बूस्टर सेशंस है वहाँ पे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है आइकॉनिक में। तो ये जो टेस्ट है मैंने आपको बोला ज़रूर लीजिए, और आप जो है प्लस आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैंने एक वीडियो डाला था एलगी के MCQs पे, जहाँ पे मैंने सेल वॉल, पायोनॉइड्स, फ्लैजिला, स्टोरेज प्रोडक्ट, प्लास्टिड एंड पिगमेंटेशन पे MCQ डाला था वहाँ पे बहुत सारे, और मैंने उसका आंसर की नहीं दिया था। बहुत लोगों ने मुझे रिमाइंड कराया कि आपने उसका आंसर की नहीं डाला है, तो इस वीडियो में मैं उसका आंसर की डाल दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ उसके करेक्ट आंसर कौन कौन से होंगे, और ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको इसका लिंक मिलेगा जहाँ से आप ये जो PDF है जिसमें ये सारे आंसर्स लिखे हैं ये आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था वहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ म्यूको पॉलीमेरिक सेल वॉल। म्यूको पॉलीमेरिक जो सेल वॉल पाया जाता है ये आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है, और एलगी में अगर आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप है उसमें आपका साइनोफाइसी आता है, ठीक है। सेकेंड था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ सिलिसिफाइड सेल वॉल, तो किसके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, ये सारे सेल वॉल के फीचर्स हैं। तो सिलिसिफाइड सेल वॉल आपका कहाँ पे मिलता है? बेसिलरोफाइसी के जो मेंबर हैं उनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो ये आप करेक्टर याद रखिएगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज एल्जेनिक एंड फ्यूजेनिक एसिड्स इन सेल वॉल। फियोफाइसी का ये करेक्टर है, इसका मैंने आपको टेबल भी प्रोवाइड कराया है, और आप अगर मेरे चैनल पर ढूंढेंगे इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा पूरा सेल वॉल पे। तो फियोफाइसी का ये करेक्टर था। सेलुलोजिक सेल वॉल जो है क्लोरोफाइसी का, क्लोरोफाइसी का बहुत बेसिक फीचर है जो इसको प्लांट से करीब लाता है, तो इसलिए आप देखेंगे। पायरेनॉइड्स की अगर आप बात करें, स्टोरेज फूड की बात करें जो स्टार्च होता है, तो ये क्लोरोफाइसी में ही होता है। सेलुलोजिक सेल वॉल भी जो आपका पाया जाता है क्लोरोफाइसी के मेंबर में ही आपको मिलेगा। सेकेंड था आपका पायरेनॉइड, पायरेनॉइड पे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि किसमें ये प्रेजेंट होता है, किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन पायरेनॉइड, किसमें पायरेनॉइड नहीं पाया जाता है। तो फिर से जो आपका प्रोकैरियोटिक ग्रुप है आपका साइनोफाइसी, वहाँ पे पायरेनॉइड नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे साइनोफाइसी में ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। पायरेनॉइड यूजली हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी रहे, क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी हो सकता है। सेकेंड था आपका इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टार्च प्लेट्स इन सर्कल्स पायरेनॉइड। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रुप है जहाँ पे स्टार्च प्लेट जो होता है वो पायरेनॉइड को इनसर्कल करता है, मतलब पायरेनॉइड के अराउंड आपको स्टार्च प्लेट देखने को मिलेगा। तो ये भी क्लोरोफाइसी का फीचर है, क्लोरोफाइसी के मेंबर जो होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पायरेनॉइड होता है उसको इनसर्कल स्टार्च प्लेट करते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन था आपका, जो मतलब रिलेटेड जो MCQs था वो फ्लैजिला था, फ्लैजिलेशन भी
एल्गी को आइडेंटिफाई करने का एक फीचर होता है, तो इसका फ्लैजिलेशन अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज कॉमनली इक्वल एंटीरियर एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, तो फ्लैजिला का दो टाइप मैंने आपको बताया था, एक्रोनिमेटिक एंड पैंटोनिमेटिक। फिर इंसर्शन आपका हो सकता है इंटीरियर पोस्टीरियर या लेटरल, वो इक्वल अनइक्वल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो इसमें फीचर दिया है इक्वल फ्लैजिला इंटीरियर पोर्शन पे इंसर्शन रहे और एक्रोनिमेटिक रहे, ये फीचर आपका कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोफाइसिक मेंबर में। अब सेम थिंग वही है सेकेंड एमसीक्यू में आप आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप है इज आइसोकॉन्ड, तो आइसोकॉन्ड का मतलब भी वही है आपका कि इक्वल फ्लैजिला, तो ये भी वही है, सेम ही चीज है, इसको आप जानते रहिए। कॉमनली जो इक्वल फ्लैजिला होते हैं इसको हम आइसोकॉन्ड भी बोलते हैं, और जब अनइक्वल फ्लैजिला रहे उसको हम हेट्रोकॉन्ड भी बोलते हैं, तो ये क्लोरोफाइसी के फीचर हैं। थर्ड पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप पेयर डू नॉट कंटेन फ्लैजिला। अब फ्लैजिला भी जो है आप देखेंगे एल्गी में एब्सेंट रहता है, कहाँ पे एब्सेंट रहता है, एक तो साइनोफाइसी में एब्सेंट रहता है और रोडोफाइसी में एब्सेंट रहता है। फ्लैजिला जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं किसी एल्गी का, तो ऐसा नहीं रहता है कि फ्लैजिला हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो कुछ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वहाँ पे फ्लैजिलेशन पाया जाता है, पर जब आप साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स पढ़ेंगे, जैसे साइनोफाइसी में आप देखेंगे क्या था आपका, ऑस्लेटोरिया हुआ, एनाबीना हुआ, नॉस्टॉक, ये सब मेंबर्स हैं, उनका जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं आपको फ्लैजिला कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे रोडोफाइसी में जो आप दो मेंबर पढ़ते हैं, पॉलीसाइफोनिया और बैट्रकोस्पर्मम, उनका भी आप लाइफ साइकिल पढ़िए, जो भी वहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। चौथा क्वेश्चन था आपका कि इसमें से कौन सा हेट्रोकॉन्ड नहीं है, तो वही सेम है, कौन सा आइसोकॉन्ड है अगर आप जानते हैं तो आप बता लेंगे इनमें से कौन सा हेट्रोकॉन्ड नहीं है। तो क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला होता है वो इक्वल होता है, सो इसीलिए ये क्या होगा, हेट्रोकॉन्ड नहीं होगा। बाकी बेसिलरोफाइसी, फियोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी, यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लैजिला होता है ये अनइक्वल होता है, तो ये हेट्रोकॉन्ड के अंतर्गत आते हैं। पांचवे पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज यूजली वन इंटीरियर पैंटोनिमेटिक फ्लैजिला, तो आप जो फ्लैजिलेशन आप देखते हैं यूजली आपको दो मिलता है। बेसिलरोफाइसी में आप देखेंगे फ्लैजिला एक होता है, इंटीरियर इंसर्टेड रहता है और वो पैंटोनिमेटिक रहता है। ठीक, पैंटोनिमेटिक का मतलब एक तो एक्रोनिमेटिक हो गया, एक पैंटोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक का मतलब जो इसका सरफेस रहता है वो वहाँ पे स्मूथ रहेगा, पर पैंटोनिमेटिक फ्लैजिला में इनका सरफेस रफ होता है। सिक्स पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में जो यहाँ पे दिया हुआ है ये करेक्ट पेयरिंग है। एक्रोनिमेटिक विप्लैश होता है, पैंटोनिमेटिक विप्लैश होता है, एक्रोनिमेटिक को टेंसिल बोलते हैं या पैंटोनिमेटिक को स्मूथ बोलते हैं। करेक्टली मैच आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया कि एक्रोनिमेटिक जो होता है वो स्मूथ होता है और स्मूथ को हम विप्लैश के नाम से भी जानते हैं। वहीं पैंटोनिमेटिक जो होता है ये टेंसिल टाइप का होता है जिसे हम रफ भी बोलते हैं, तो पैंटोनिमेटिक क्या है, रफ होता है, ये स्मूथ नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा था आपका, ए एक्रोनिमेटिक विच इज विप्लैश। सेवन पे आते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए ट्यूब्यूल एंड बे ट्यूब्यूल, मैंने आपको एक वो भी दिया था इसका फोटो प्लेट बना के, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ये जो आपका फ्लैजिला होता है इसका ट्रांसफर सेक्शन क्या मतलब थोड़ा सा जूम करके उसका फोटो था कि वो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर उसका होता क्या है, तो वहाँ पे डाइनी नाम्स जैसे 9+2 अरेंजमेंट होता है, तो दो सेंट्रल ट्यूब्यूल था वहाँ पे, फिर पेरीफेरल ट्यूब्यूल थी वहाँ पे, पेरीफेरल में जो होता है वो डबलेट के फॉर्म में होते हैं और सेंट्रल में आपका सिंगलेट के फॉर्म में था, तो जो डबलेट होते हैं वहाँ पे एक ए ट्यूब्यूल होता है और बी ट्यूब्यूल होता है। अब वहाँ पे एक ट्यूब्यूल मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन सा था, एक कंप्लीट होता है जहाँ पे 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है, एक बी ट्यूब्यूल होता है जो 11 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या है, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दीज आर द सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो फर्स्टली ए और जो बी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये पेरीफेरल होते हैं, सेंट्रल नहीं होते हैं, तो आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना था। अगर आपने पढ़ा है तो आप पकड़ लेंगे कि पहला ही जो ऑप्शन है आपका यही यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि ये सेंट्रल पेयर तो होते ही नहीं है, तो आप इसे ऑप्शन से याद भी रख सकते हैं कि और जो सारी चीज़ें दी गई हैं इस ऑप्शन में सारे सही हैं। मैंने उसे बोला ए ट्यूब्यूल जो होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट के बना हुआ होता है, बाकी जो बी ट्यूब्यूल होता है वो इनकम्प्लीट होता है
और उसी से ए से चिपका हुआ रहता है और ये 11 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ होता है। सी पे आते हैं, रेडियल स्पोक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द ए ट्यूब्यूल। अब वहां पे रेडियल स्पोक्स भी आप देखेंगे जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वो जो ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है वहां से रेडियल स्पोक आता है जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स की तरफ जाता है। तो वो ओरिजिनेट कहां से होता है, ए ट्यूब्यूल से। डायनिन आर्म्स अटैच टू द ए ट्यूब्यूल। अब डायनिन जो प्रोटीन है इसके आर्म्स जो भी रहते हैं, आपसे पूछा ये ए ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं या बी ट्यूब्यूल से, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जो डायनिन के आर्म्स रहते हैं ये ए ट्यूब्यूल से अटैच रहते हैं। चौथे पे आते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है एलगी में। मैंने आपसे बोला कि ये भी पूछा जाता है कि किस एलगी में कौन से टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सारे एलगी जो है, जो एल्गल ग्रुप है, वो अलग अलग टाइप के फूड स्टोर करते हैं, और वो भी एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। हम जो भी पढ़ते हैं, बेसिक आप पढ़ते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, बेसिकली आपको टैक्सोनॉमी ही पढ़ाया जाता है कौन कौन से कैरेक्टर हैं, चाहे वो फ्लैजेलेशन का हो, रिजर्व फूड मटेरियल का हो, सेल वॉल फीचर हो, या रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल हो। सारी चीजें हमें ये जो है इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें पढ़ाया जाता है। हम किन किन कैरेक्टर के बेसिस पे पहचानेंगे कि ये किस ग्रुप में आते हैं, और यही आपको बेसिक साइंस में, बेसिक बॉटनी में पढ़ाया जाता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल भी एक तरीके का कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे आप अलग अलग एल्गल ग्रुप को पहचान सकते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च इन क्लोरोफाइसी में जो होता है स्टार्च होता है, ठीक है, ये प्लांट के जैसा है। प्लांट में भी आपका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, वैसे क्लोरोफाइसी भी प्लांट से काफी ये रिलेटेड है, तो ये इसमें भी स्टार्च होता है। अब बात करते हैं फ्लुइडियन स्टार्च का, तो आप हमेशा से याद रखिए रोडोफाइसी क्लासिफिकेशन में आपको दो ग्रुप मिलता है, एक तो फ्लोरिडियन करके कुछ है, एक बेंजियोडी करके है। तो दो ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के नाम पे ही है, ठीक, क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो रोडोफाइसी से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड, रिजर्व फूड मटेरियल इज मिक्सोफाइसिन स्टार्च। मिक्सोफाइसी हम किसको बोलते हैं, साइनोफाइसी का ही जो कॉमन नेम है उसको हम मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। तो मिक्सोफाइसिन स्टार्च इज रिलेटेड टू मिक्सोफाइसी मीन्स साइनोफाइसी। फोर्थ वन इज रिजर्व फूड मटेरियल इज लेमिनारिन इन फियोफाइसी का। अगर आपने मेंबर्स पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है लेमिनारिया, आप उसे याद रखिएगा कि फियोफाइसी में ही ये जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। फिर फिफ्थ पे आते हैं क्राइसोलेमिनिन, या जिसको ल्यूकोसिन भी बोला जाता है। पूछा है आपसे ये रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ पे पाया जाता है, तो बाकी सारे का अगर आप याद रखिएगा तो एक ही है जो आपका एल्गल ग्रुप यहाँ पे अलग है, बेसिलोफाइसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो फूड मटेरियल आपका बचा आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया फियोफाइसी में लेमिनारिन, बेसिलोफाइसी में मान लो ये आ जाएगा, क्लोरोफाइसी में स्टार्च और साइनोफाइसी में मिक्सोफाइसिन स्टार्च होगा आपका। फिफ्थ पे आ जाते हैं प्लास्टिडिन पिगमेंट, ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट था, ठीक है, हाँ लास्ट पोर्शन है इसका। क्लोरोफिल ए, अब हाँ पहली बात तो जो प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, प्लास्टिड किसमें नहीं पाया जाता है, तो यूकैरियोट्स में जो होता है। पहली बात तो प्लास्टिड क्या है आपका, ऑर्गेनेल है, तो ये यूकैरियोट में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। तो साइनोफाइसी केवल प्रोकैरियोट है तो उसमें आपको प्लास्टिड मिलेगा नहीं। सेकेंड थिंग है कि आप देखेंगे कि वहां पे जो भी प्लास्टिड है अगर, तो वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका वो प्लास्टिड से एसोसिएटेड रहता है। कहीं पे सिंगल मेम्ब्रेन रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लास्टिड के अराउंड, या डबल मेम्ब्रेन रहता है या ट्रिपल मेम्ब्रेन रहता है, तो वो अलग बात है। किसी किसी में रहता भी नहीं है शायद, साइनोफाइसी या रोडोफाइसी में। बाकी पिगमेंट्स रहते हैं, पिगमेंट मेन पिगमेंट हो सकते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट हो सकते हैं। तो अब क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए बी सी डी ये भी कई सारे टाइप के होते हैं, ये भी अलग अलग एल्गल ग्रुप में अलग अलग टाइप के होते हैं, पर सेंट्रल पिगमेंट आपको मैंने बताया था क्लोरोफिल ए होता है, बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा भी एक्सेसरी पिगमेंट हैं, कैरोटीनॉइड्स जो दो टाइप के थे आपके, ज़ैंटोफिल एंड कैरोटीन्स, वो भी आपको याद रखना है कौन कौन सा पाया जाता है, प्लस आपका फाइकोबिलिन प्रोटीन था जो साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया जाता है, वो भी आप याद रखिएगा। ये सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्लोरोफिल ए किस में मिलता है, तो क्लोरोफिल ए जो मैंने आपको बोला ये सेंट्रल पिगमेंट है, ये सारे जो एल्गल ग्रुप है वहां पे ये मिलता है। क्लोरोफिल बी जो होता है ये आपका केवल क्लोरोफाइसी के मेंबर में मिलेगा। तो एक सेंट्रल क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल ए मान लीजिए ऐसा है, तो उसके अराउंड जो इंटीरियर पिगमेंट रहेंगे वो क्लोरोफिल ए बी के बने हुए रहेंगे, और ऐसा जो रिलेशन है क्लोरोफिल ए और बी का ये आपको क्लोरोफाइसी में ही मिलेगा। डी की बात करें
तो रोडो, रोडो से आप याद रखिएगा डी, क्लोरोफिल डी जो है ये सेंट्रल वाला तो रहेगा आपका क्लोरोफिल ए, उसके साथ क्लोरोफिल डी पाया जाएगा जो आपका रोडोफाइसी में रहेगा। फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन ये आपका मिलेगा, ये कैरोटीनॉइड है, कैरोटीन्स है, एक्चुअली कैरोटीनॉइड है, ठीक है, तो कैरोटीनॉइड है ये फ्यूकोजैंथिन और ये फ्यूफाइसी में आपको मिलता है। फिफ्थ पे आते हैं मिक्सोजैंथोफिल, मिक्सोजैंथिन ऑसिलेजैंथिन इज फाउंड इन, ये भी काफी आसान है अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो। मैंने आपको बोला मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी का कॉमन नाम ही है, तो मिक्सो मिक्सो लगा है तो मींस मिक्सोफाइसी का होगा, मींस साइनोफाइसी, ऑसिलेटोरिया एक मेंबर है साइनोफाइसी का, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं अगर ये केवल अकेला ही पूछा जाए। तो फाइकोबिलिक प्रोटीन्स किसके फीचर्स है, मैंने आपको बताया कि ये केवल साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में ही आपको मिलते हैं। क्लोरोफिल बी किसमें आपको मिलेगा, तो नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया ये साइनोफाइसी के मेंबर हैं, और साइनोफाइसी मैंने आपको बोला कि क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है, लेकिन केवल एक ही मेंबर है साइनोफाइसी का जो प्लो क्लोरोकॉकस है, जो कि इसका एक्सेप्शन है, वहां पे आपको क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। रोडोफाइसी डू नॉट कंटेन, रोडोफाइसी में क्या नहीं मिलता है, तो जब आप ये फाइकोबिलाई प्रोटीन्स पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के सब टाइप्स हैं, उसमें एलोफाइकोसाइनिन जो है ये आपको रोडोफाइसी में नहीं मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल मेनली फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर इन एल्गी, मैंने आपको बताया सेंट्रल आपका क्या है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, ये सब में जो है मेन रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। टेंथ पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पिगमेंट वाटर सॉल्युबल होता है कौन सा नहीं होता है, तो वाटर सॉल्युबल क्या होता है आपका फाइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं, बाकी सैंथोफिल कैरोटीन्स ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। इलेवेंथ पे आते हैं जो कि शायद लास्ट नहीं अभी एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑक्सीजन फ्री हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं कैरोटीन्स एंड सैंथोफिल, सैंथोफिल जो होता है वो केवल कैरोटीन से इस बेसिस पे अलग है कि वहां पे ऑक्सीजन पाया जाता है, कैरोटीन्स में क्या होता है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ट्वेल्थ पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही है शॉर्ट में लिखा है, तो मैंने आपसे अभी बोला था क्लोरोप्लास्ट एंडोकुलम, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा जो एक प्लास्टिड है एक टाइप का, और फिर वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अराउंड मेम्ब्रेन बनाता है कि नहीं बनाता है, वो भी एक फीचर है जो आपको एल्गी में ही देखने को मिलेगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उन्होंने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ा है, पर क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पर ये चीजें आपको एल्गी में देखने को मिलेगा। और क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में दोनों में आपको ये जो क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारे मेंबर्स में आपको एक मतलब सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मिलेगा वहां पे। ओके, तो ये सारे वीडियो जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें आपको ये जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं नोट्स वाले सेल वॉल पायरेनॉइड्स पे, फ्लैजिला पे, रिजर्व फूड मटेरियल पे, प्लास्टिन पिगमेंट पे, इस पे आप जब क्लिक करेंगे पीडीएफ पे सीधे आप यहाँ पे लेक्चर पे पहुँच जाएंगे मेरे चैनल पे। तो ठीक है, तो सारा ये एल्गी है बेसिकली, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, हाफ हाफ जो है वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइफ साइकिल ये सारी चीज़ें और लाइफ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बाकी ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।